एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा में स्थित ग्राम अटरिया पहुंचा। लगभग 3600 की आबादी वाले इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान कुवरा हैं। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में विकास कार्य बेहतर करा के महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। लगभग 2500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर गाँव में शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वही बात अगर सरकारी योजनाओं की करें तो ग्राम प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्य की समीक्षा की गई तो पेयजल आपूर्ति के लिए प्रधान द्वारा गाँव में 34 हैंडपंप लगवाए गए हैं एवं कुछ और हैंडपंपों की सरकार से दरकार है। वही बात अगर विद्युत व्यवस्था की करे तो प्रधान 172 विद्युत पोल व 4 ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। वही वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड व शौचालयों का भी निर्माण करवाया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान बने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा जल निकासी के लिए एक नाले के निर्माण की राज्य व केंद्र सरकार से मांग की है। मैं प्रधान पुत्र, प्रधान प्रतिनिधि, नाम मेरा मुस्तकी मली है, ग्राम पंचायत अटरिया, विकास खंड भगतपुर टांडा, तहसील मुरादाबाद का निवासी हूँ। मेरे गाँव में सेक्टर 2011 की सूची से प्रधानमंत्री आवास के कुछ नाम छूट गए हैं। उन नामों को जो है सूची से जोड़ा जाना चाहिए। मेरे गांव में लगभग 2.5 बीघा जमीन बीच गांव में खाली पड़ी है। उसमें गांव वाले कूड़ा डालते हैं, उससे गंदगी फैल रही है गांव में। उस गांव में, मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र आदि भवन बन जाने चाहिए, जिससे जो है गाँव की तरक्की होगी और गाँव में सफाई होगी। और क्या बोलते हैं, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है गाँव की, नाले की एक आवश्यकता है। नाला अगर बन जाएगा तो गांव में जो है पानी की निकासी सही होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी जरूरत है ग्राम पंचायत को, उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। और क्या, शौचालय, स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता, गंदगी बहुत हो रही है गांव में। स्वच्छता अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन सफाईकर्मी जो हैं, एक पूरी पंचायत में एक सफाईकर्मी है, सफाईकर्मी उससे सफाई नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा कोई ऐसा अभियान चलाया है जिससे कि गांव में सफाई हो सके। का निवासी हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब ज़मीन बढ़िया 2.5 बीघे, इसमें घुरिया कूड़ा बड़ा बीज गांव में आ गई और इसके इसमें कोई अस्पताल या कोई चीज़ बन जानी चाहिए। ये कूड़ा बहुत नुकसान दे रहा है गाँव के अंदर। हाँ, हमारे प्रधान जी सब काम सही कर रहे हैं विकास का, बहुत अच्छे ईमानदारी के साथ काम हो जाएगा गाँव का।